पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रदर्शन मेवात की घटना, बरेली की घटना, दिल्ली की घटना, जो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हिंदू समाज को, शांति प्रिय समाज को आहत करा गया है। मेवात में एक शांतिपूर्वक धर्म यात्रा निकलती है जिसके ऊपर विधर्मियों ने पत्थरबाजी करी, गोलीबाजी करी, जिसके अंदर पुलिस के जवान बलिदान दिया उन्होंने और हमारे कार्यकर्ता भी बलिदान हुए। पूरे देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पर ये प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है। हम राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं इसकी जांच करी जाए और उनको आइडेंटिफाई करके उनके साथ वो सलूक करा जाए जो और भी कोई अब कभी पत्थर बजाने की हिम्मत ना करे। मैं तो ये कहता हूँ चौराहे पर खड़े करके फांसी दी जाए। घटनाओं के पीछे क्या मानते हैं आप? मैं स्पष्ट मानता हूं कि सुनियोजित तरीका है और आतंकवाद है, विधर्मी, इसके ऊपर विदेशी शक्तियां भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं जो मोटिवेटेड है, पैसे के लालच में ये सब काम कर रहे हैं। आज क्या करा, क्या क्या है आपको? मैं तो ये मांग रहा हूं कि इसके अंदर बांग्लादेशी घुसपैठी है, रोहिंग्या, ये सब इस देश को डीस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम होने नहीं देंगे। हरियाणा के नूह में एक धार्मिक यात्रा बहुत ही प्राचीन समय से निकलती है आ रही है। वहाँ जैसे यात्रा प्रारंभ हुई, यात्रा प्रारंभ होने के 15 मिनट के अंदर वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ पथराव होता है, पहाड़ियों पर चढ़कर वहाँ गोलियाँ बरसाई जाती हैं, नियत्ते लोगों पर, नियत्ते जो है भक्तों पर वहाँ गोलियाँ बरसाई जाती हैं और वहाँ काफ़ी हिंदू समाज के लोग बलिदान हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन के लोग बलिदान हो जाते हैं। अब ये इस घटना को मैं हिंदू मुस्लिम की घटना
या कोई दंगा फसाद ये नहीं मानूंगा। ये घटना प्योर आतंकवादी घटना है। इस घटना को बराबर के देश पाकिस्तान से इसकी रचना हुई है। आप अगर इसकी तह तक जाएंगे, अगर ध्यान लगाएंगे, तो जरूर कहीं ना कहीं से फंडिंग हुई होगी, जरूर कहीं ना कहीं से पाकिस्तान का फोन कॉल डिटेल मिलेगी, जरूर ये घटना ये आतंकवादी घटना है, ये प्योर आतंकवादी घटना है। इस घटना में कोई योजना नहीं, बिल्कुल योजना बना करके तैयार रहे और हमला किया हिंदू समाज के लोगों पर। इस प्रकार का अत्याचार, इस प्रकार का हमला बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज हम लोगों ने सड़क पर पुतला फूंककर और यहाँ सड़क पर धरना प्रदर्शन आज हनुमान चालीसा पाठ करने वाले हैं, उससे हमने ये आज दो मैसेज दिए हैं। हम हनुमान चालीसा भी करना जानते हैं, वो हनुमान जी की तरह लंका में आग लगाना, लंका को दहन करना भी जानते हैं, रावण को जलाना भी जानते हैं, रावण को मारना भी जानते हैं और रावण को समझाना भी जानते हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ करके हम रावण को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर रावण नहीं समझेगा तो लंका दहन का प्रयास करेंगे, और नहीं मानेगा तो राम जी की तरह उसकी नाभि में चोट करने का प्रयास करेंगे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।